गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट आई डॉक्टर चारू पंत डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस इज लेक्चर वन एंड सेम वे इसी सीरीज़ में हम क्या करेंगे आगे भी वन बाय वन स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट लेक्चर्स को आपके सामने लाएंगे तो आज पहला लेक्चर है जो बेसिक इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर क्या क्या इस पूरे टॉपिक में आप पढ़ेंगे इस लेक्चर में तो बेसिकली ये जो लेक्चर है ये कवर करेगा आपका व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज एब्जॉर्पसन शिफ्ट एब्जॉर्पसन बैंड एक्सेट्रा तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपकी कवर होंगी बेसिकली ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये बी एस सी एंड एम एस सी के जो स्टूडेंट हैं उन पर बेस्ड है बी एस सी सेकेंड ईयर में इसको हम अप्लाई कर रहे हैं और एम एस सी में भी लगभग सारे सेमेस्टर में ये प्रोग्राम आपका होगा तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है तो जनरली वी कैन से दैट द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर यानी इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर मैटर मीन्स एनी सबिटेंस किसी भी सबिस्टेंस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसको हम कह देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस इज़ अ टाइप ऑफ एनालिटिकल टूल्स ये एनालिटिकल टूल्स के अंदर आपका आता है जनरली होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं सपोज दैन हमको किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है तो उस कम्पाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जैसे आप क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस हैं एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स तो इसमें हम क्या करते हैं किसी रिएजेंट की मदद नहीं करते हैं यानी विदाउट रिएजेंट भी हम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं वो कैसे करते हैं तो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो स्पेशल टाइप की रेडिएशन होती है उस रेडिएशन को हम क्या करते हैं किसी सैंपल पर इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे ही रेडिएशन सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो क्या करता है अपने पीक्स देता है और उस पीक्स को जब हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टेक्निक से अलग अलग टेक्निक्स होती हैं हर पीक्स की सपोज कोई यू में अपना पीक देगा कोई आई में पीक देगा इसके बारे में डिस्कस करूंगा नीचे या एनएमआर में आपका कोई चीज़ दे रहा है तो इस तरीके से हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है अपना अलग अलग फंक्शन होता है और उसके बेस में हम उसको कैटेगराइज करते हैं जिसको हम फर्दर uh, इसका डिस्कशन करेंगे सो फाइनली वी कैन से दैट इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी नाउ

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोवाइड करेंगे जैसे ही वो सैंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एक्साइटेशन होगा ऑलवेज क्या होता है एबजॉर्प्शन के टाइम पे होगा अब एक्साइटेशन जब इलेक्ट्रॉन का होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऑलवेज लो एनर्जी स्टेट से अपना हाई एनर्जी स्टेट में मूवमेंट करता है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट दैट इज एबजॉपन टाइम

क्या होता है अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है जैसे हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले टाइप का है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्टोस्कोप को हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं अब क्यों कहते हैं यूवी और इलेक्ट्रॉनिक क्यों कह रहे हैं इसके पीछे रीजन है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं कंजुगेशन uh, या कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पता करते हैं कि किसका कितना कंजुगेशन कंपाउंड में है या कैसा कलर आपका होगा तो ये सारी सारी चीज़ों को हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फाइंड आउट करते हैं ऐसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आई आर स्पेक्टोस्कोपी इसका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है है ना ऐसे ही माइक्रोवेव का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है तो एक एक करके हम हर लेक्चर में अलग अलग स्पेक्टोस्कोपीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सबसे पहला हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अब देखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है मैंने उसमें कहा स्पेक्ट्रो uh, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सबसे यूजफुल जो थिंग है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है और क्या इसका नेचर होता है क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो दो वर्ड से ये बना हुआ है नेम इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रो इज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक इज मैग्नेटिक फील्ड ठीक तो क्या होता है इसको इस तरीके से आप समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली एक स्पेशल टाइप की रेडिएशन होती है जिसमें डिफरेंट टाइप का क्या होता है आपका कंपोजिशन होता है किसका रेडिएशन का अलग अलग टाइप की होंगे देखो एक फिगर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपको ये जो फिगर है ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये जो स्पेक्ट्रम है अब सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक तो अब ये कह सकते हैं कि ऑल काइंड ऑफ दिस सम ऑफ ऑल ऑफ रेडिएशन जो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस होती है उन सबका जो एक कॉम्पोजिशन होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ठीक अब इसको हम बेसिकली शो करते हैं एक तो इंक्रीजिंग वेबलेंथ के बेसिस पे देखो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है लेफ्ट टू राइट जब आप मूव कर रहे हैं तो वेबलेंथ क्या हो रही है आपका इंक्रीज कर रही है और उसके अपोजिट होती है फ्रीक्वेंसी ठीक है फ्रीक्वेंसी और लेमडा जो वेबलेंथ है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है ठीक है वेबलेंथ बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी घटेगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेब क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा ठीक तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ये तो पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम हो गया अब उसमें पर्टिकुलर पर्टिकुलरली हम बात करेंगे किसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन तो आप ये कहते हैं कि जब किसी सोर्स से जो मेन सोर्स होता है रेडिएशन का दैट इज सनलाइट तो हम सनलाइट को एक प्राइमरी सोर्स मान रहे हैं तो हमने क्या किया कि उस जो रेडिएशन है जो आपको किसी सोर्स से मिल रही है तो वो जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑलवेज क्या होता है रेडिएशन का थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होता है ठीक है ना क्या करते हैं आप जैसे ही सोर्स से किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं तो सोर्स से जब ऑब्जेक्ट का लाइट पड़ेगी तो वो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट से होती हुए आएगी यानी थ्री डायमेंशन में क्या होगा एक्स वाई एंड जेड तो क्या होता है एक वे ऑफ प्रोपोगेशन होता है वे ऑफ प्रोपोगेशन का मतलब जिस डायरेक्शन पर आपने क्या किया होगा सैंपल को रखा होगा या किसी ऑब्जेक्ट को रखा होगा उस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या करनी है लाइट प्रोवाइड करानी है तो लाइट का सोर्स आपका क्या है सनलाइट तो जैसे ही सोर्स से ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो ऑलवेज क्या होता है कि जो रेडिएशन का नेचर होता है जिस आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते होंगे कि ऑलवेज क्या होता है कि जो रेडिएशन uh, होती है वो वेव नेचर की होती है वेव इट मींस एक स्प्रिंग की तरह होता है ठीक है तो क्या होता है कि जब रेडिएशन सोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो वे ऑफ प्रोपोगेशन के अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ को और वे ऑफ प्रोपोगेशन के नीचे तो बराबर मूवमेंट करती है और एक साइकिल कब कंप्लीट करेगी जब क्या होगा आपका अपवर्ड uh, डायरेक्शन पे और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जब चक्कर मारेगी रेडिएशन तो उसका एक साइकिल माना जाता है ऐसी बहुत सारी साइकिल्स होती हैं तो क्या होता है कि जब रेडिएशन सोर्स से ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो पहले वो क्या होता है पर्टिकुलर uh, एक्सिस में जाएगा तो वे ऑफ प्रोपोकेशन के ऊपर जाएगा तो ऑलवेज ये माना जाता है कि वे ऑफ प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन पे होगा उसका अपवर्ड का जो एरिया होगा ऊपर का जो एरिया होगा उसको बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे का जो फील्ड होता है उसको बोलता है मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होता है जब रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगी उतना ही कहां पर आएगी आपका मैग्नेटिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को टच करते हुए क्या करता है रेडिएशन जाती है ऑब्जेक्ट के पास तो इसलिए हम उस पूरे को बोलते हैं कंबाइंडली इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रो रेडिएशन ई एम आर इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो आप ये कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो लाइट तो का जो नीचर होता है वो वेव नीचर होता है तो जब वेब मूवमेंट करती है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक कंपोनेट से होते हुए जाती है सो इन दैट केस दट टाइप ऑफ रेडिएशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिस्कशन हो गया अब देखिए जो हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज की बात कर रहे थे पहले उसमें क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कई तरीके की होती है अलग अलग टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और हर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैंने कहा कि अपना अलग अलग फंक्शन होता है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सबसे पहले मैंने दिखाया था पिछली स्लाइड में तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एक और नाम से दे रहे हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज

न बी कैटेगराइज इन टू थ्री क्लासेस थ्री टाइप्स फार यूवी नियर यूवी एंड मिडिल यू वी ठीक है तो फार नियर एंड यू वी जो है उसकी रेंज हम यहां पर दिखा रहे हैं ठीक तो वन फिफ्टी से टू हंड्रेड के बीच में टू हंड्रेड टू फोर हंड्रेड नियर एंड यू वी जो है कितने है फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड तो ये एक तरीके से क्या है कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे ठीक तो अब देखिए जो यू स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो होती क्या है मैंने कहा कि ये क्या होती है एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसको बोलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूवी का क्या फंक्शन है किस कहाँ पे यू स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं बेसिकली जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका मेन फंक्शन होता है कंजुगेशन को फाइंड आउट करना और कलर ऑफ दी कंपाउंड के बारे में बताना किसी भी कंपाउंड का जब हम कलर आइडेंटिफाई करते हैं तो वो यूवी की मदद से करा जाता है ठीक है अब देखिए दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सो ड्यू टू विच रीजन दैट रीजन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो सबसे मेन चीज क्या होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं अलग अलग टाइप के ट्रांजिशन होते हैं ठीक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता क्या है देखिए मैं इसको एक फिगर में यहां पर दिखा रहा हूं ये क्या होता है कि ये डिफरेंट स्टेट्स है आपका बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग देखो ये जो लाइन डार्क लाइन आपको दिख रही है ये लो एनर्जी स्टेट से क्या है आपका हाई एनर्जी स्टेट पे डिफरेंट एनर्जी पाथ है या एनर्जी स्टेप्स हैं आपके तो हमेशा क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होगा ट्रांजिशन कब होता है जब वो कंपाउंड जो भी है उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कब ट्रांजिशन की फेज में आएंगे उस वो क्या करेंगे सबसे पहले एनर्जी को ऐब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा आपका मूवमेंट होता है लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो इतने टाइप से ट्रांजिशन करेगा ठीक कैसे देखिए सबसे पहले हमने जो बॉटम लाइन है दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग उसके ऊपर की जो लाइन दिख रही है पाई बॉन्डिंग उससे ऊपर क्या है एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग लेवल नॉन बॉन्डिंग से ऊपर एंटी बॉन्डिंग होता है नॉन बॉन्डिंग से नीचे क्या होगा बॉन्डिंग लेवल होता है आपका ये तो ये ये जब आप मलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की बात पढ़, पढ़ते हैं तो वहां पर ये सारी चीजें आएंगी तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में ये चार तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं आपके देखो सबसे पहले टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो सबसे हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिख रहा है आपको वो है सिग्मा टू तो सिग्मा स्टार सिग्मा इज बॉन्डिंग सिग्मा स्टार इज एंटी बॉन्डिंग ये ध्यान रखिएगा तो क्या होता है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कहा से सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में होगा तो उस टाइम पे उसको बोल देंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड इट इज अ लार्ज एनर्जी ट्रांजिशन ये सबसे हाई एनर्जी का ट्रांजिशन होता है यानी इस ट्रांजिशन को करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी सेकंड टाइप का ट्रांजिशन आपको दिख रहा है एंड टू पाई टू सिग्मा क्या पाई बॉन्डिंग पाई टू पाई बॉन्डिंग एंड तीसरे टाइप का आपको दिख रहा है एन टू सिग्मा बॉन्डिंग और लास्ट टाइप का जो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार जिसको हम दिख रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि यू में क्या होता है बेसिकली चार तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं सिग्मा टू तो सिग्मा स्टार पाई टू पाई स्टार एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार ये चार तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं अब ये ट्रांजेक्शन होते क्या हैं इसको एक एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और अब ये ट्रांजेक्शन कौन से कंपाउंड करेंगे ये भी बात करते हैं क्योंकि हर ट्रांजेस में अलग अलग टाइप के कंपाउंड होते हैं देखिए सबसे पहला काम है आपका सिग्मा टू तो सिग्मा स्टार ट्रांजिशन तो सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कब होगा और कौन से कंपाउंड इसको करेंगे तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली ऑलवेज ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिग्मा बॉन्डेड या सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम यह भी कह सकते हैं कि ऑलवेज सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स टेक्स प्लेस सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यानी जहां पर भी क्या होगा सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेंगे ट्रांजिशन करेंगे तो उस टाइम पे उस ट्रांजिशन ता, का नाम हम कह देते हैं सिग्मा टू तो सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑलवेज जैसे एल्केन होता है ना जितने भी आपका एल्केन्स है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उस टाइम पे ये जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे तो आप यह कह सकते हैं कि ऑलवेज ऑलवेज uh, क्या होगा कोई भी सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड लाइक एल्केन्स कैन एग्जिबिट सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप ट्रांजिशन अब देखिए जो ट्रांजिशन होता, होता है ना मैंने कहा हाई एनर्जी का ट्रांजिशन होता है बिकॉज ऑफ जो गैप है सिग्मा और सिग्मा बॉन्डिंग के बीच में बहुत हाई है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आपको ठीक करीब करीब क्या है दो uh, सौ से से आठ सौ नैनोमीटर के बीच की जो रेंज uh, है इस टाइप पे इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराने के लिए सेकेंड टाइप का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो आप ये कह सकते हैं वेन द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग या आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेन पाई से पाई स्टार में होगा तो उस टाइम पे उसको बोल देंगे पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन से कंपाउंड शो करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप ऑलवेज ये कहेंगे कि ऑलवेज कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा पाई बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ठीक है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं सपोज क्या आपके पास कोई भी एल्किन्स लाइक -like कंपाउंड है कार्बोनाइल्स है एरोमेटिक कंपाउंड है नाइट्राइल्स है या नाइट्रो कंपाउंड जिसमें क्या होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है और इस टाइप का पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो पाई बॉन्डेड टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एन टू सिग्मा स्टार का मतलब होता है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैन टेक्स प्लेस नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यानी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जब ट्रांजिशन करता है कोई इलेक्ट्रॉन तो उस टाइम पे उसको बोल देंगे हम क्या एन टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक टेंसन कौन से कंपाउंड करेंगे देखिए ऑलवेज नॉन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में हेट्रो एटम में क्या होता है जिसके पास नॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे जैसे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है सल्फर है हेलोजेंस है ये ऐसे एटम हैं जिसमें क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती होती होती है इस इलेक्ट्रॉनिक टेंसन को कराने के लिए एक तो क्या होना चाहिए सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल होना चाहिए साथ में कोई हैट्रो एटम भी प्रेजेंट होना चाहिए हेट्रो एटम में मैंने बता दिया कौन कौन से होंगे जैसे आपके पास अमाइंस है एलाइट्स है ईथर्स हैं या आपका सेचुरेटेड एल्कोहल्स हैं ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होता है एंड टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक टैंसन को शो करते हैं सिमिलरली द लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेंशन इज एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक टेंसन और एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसन क्या होगा तो आप ये कहेंगे द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू पाई स्टार यानी नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो उस टाइम पे उस ट्रांजिशन को हम बोल देते हैं आपका एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अब कौन से कंपाउंड इस टाइप के ट्रांजिशन को शो करेंगे तो हम इसके लिए बात करते हैं कि ऑलवेज क्या होता है आपका कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें पाई पाइबॉन्डेड मॉलिक्यूल होगा साथ में कोई हाइट्रो आइटम भी होगा क्योंकि नॉन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है हमने कहा कि कोई हाइड्रो आइटम प्रेजेंट होना उसके होना चाहिए उसके साथ तो सा, क्या होगा आपका आ, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा या कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कंपाउंड में और साथ में कोई हाइड्रो आइटम प्रेजेंट होना चाहिए तो ऐसे टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेशन को शो करते हैं ठीक तो ये चार तरीके की ट्रांजेशन हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेंशन और ये पूरी की पूरी जो यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो इस इलेक्ट्रॉनिक टेंशन पर बेस्ड होती है ध्यान रखिएगा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन रूल ऑलवेज क्या होता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं चाहे वो यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या रमन हो या आपका इसके अलावा एनआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या मास स्पेक्टोमीट्री है तो हर स्पेक्ट्रोस्कोपीज के लिए अपना क्या होता है एक पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होता है और वो सिलेक्शन रूल अगर वो कोई मोलिक्यूल फॉलो करेगा तो उस टाइम पे वो उस टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज को शो करेगा सपोज हम कह रहे हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं आज हम तो यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी अपना क्या होता है एक पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल होता है और वो सिलेक्शन रूल क्या है देखिए ये दो टाइप के सिलेक्शन रूल्स होते हैं यूवी में पहला ट्रांजिशंस विच इन्वॉल्व चेंज इन द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन डू नॉट अक्कर दैट इज क्या है सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजेक्शन आर नॉट अलाउड ऑलवेज क्या होता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है आपका उस पर अगर क्या हो रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा That is singlet to triplet transition है सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजेसन पॉसिबल होगा सिंगलेट टू अगर ट्रिपलेट होगा तो ट्रांजेशन पॉसिबल नहीं होगा अभी सिंगलेट स्टेट क्या होगी ट्रिपलेट स्टेट क्या होगी अभी इसका हम डिस्कस करेंगे बाद में तो सिंगलेट टू ट्रिपलेट ट्रांजेसन कभी नहीं होगा दैट इज फॉरविडन जिसको हम बोल देंगे दो टाइप के ट्रांस होंगे ना एक तो अलाउड ट्रांजिशन होगा एक फॉरबिडन अगर वो उस सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो ट्रांजिशन uh, अलाउड होगा अगर उस सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो आपका फॉरबिडन होगा तो सिंगलेट टू ट्रिपलेट अगर कहीं पर कंडीशन होगी तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा सिंगलेट टू सिंगलेट की बात अगर हम करते हैं तो वो आपका कैसा होगा अलाउड ट्रांजिशन होगा ऐसे ही दूसरा क्या है ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट सिमेट्री डू नॉट अकर ठीक फॉर ऑफ पाई स्टार फॉरबिडन ऑलवेज क्या है सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन होना चाहिए अगर डिफरेंट सिमेट्री में होगा तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे देखिए जैसे ट्रांजिशन क्या है आपका नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में दट इज फॉरबिडन बिकॉज दिमेट्रीज एन एंड किसके बीच में है? पाई स्टार दो दोनों एक दूसरे के मैच नहीं कर रही तो सेम सिमेट्री के बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए अगर सिमेट्री अलग अलग होगी तो उस टाइम पे वो ट्रांजिशन आपका अलाउड नहीं माना जाएगा उसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलेंगे ठीक है ना जैसे एन टू पाई स्टार में क्या है एन अलग सिमेट्री है पाई स्टार अलग सिमेट्री है तो दोनों की सिमेट्री क्या है डिफरेंट है तो उस डिफरेंट सिमेट्री में जब ट्रांजेक्शन होंगे तो वो आपका अल... फॉरबिडन ट्रांजेशन होगा तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अगर कोई कंपाउंड इन दो सिलेक्शन रूल्स को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब यूवी में अपना स्पेक्ट्रम देगा अदरवाइज नहीं देगा ठीक उ इजटेंट टॉपिकॉनिकॉर्नैक्स के बीच में तो आप ये कहेंगे कि between, uh, length, max, जिसको हम बॉटम लाइन में दिखा रहे हैं तो लेडा मैक्स एंड एब्जॉर्न के बीच में जब हम क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दैट ग्राफ इज क्या यूबी स्पेक्ट्रम इसी स्पेक्ट्रम को हम बोल देते हैं यूबी स्पेक्ट्रम अब देखिए हर स्पेक्ट्रम को पीछे में अलग अलग टाइप का स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा यूबी में अलग टाइप के स्पेक्ट्रम दिखेंगे आई आर में अलग पीक्स दिखेंगी ऐसे ही में अलग आपका पीक्स होती है जैस जो भी आपका स्पेक्ट्रम मिलेगा क्यों ऐसा होता है इसके पीछे भी रीजन है देखिए यूवी में हमेशा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा कहीं पर भी आप जाएंगे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें सारे टाइप के ट्रांजेशन होते हैं ऑल टाइप्स ऑफ टेंशंस टेक्स प्लेस इन यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम इससे पहले बात कर रहे थे ना इलेक्ट्रॉनिक है इलेक्ट्रॉनिक टेंशन में ये सारे के सारे ट्रांजिशंस थे ठीक तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारे तरीके के ट्रांजिशन से एक साथ होते हैं या पाए जाते हैं तो इसलिए ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना इसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा और ये कब मिलेगा वर्सेस वर्स मैक्स मैक्सिमम मैक्स जहां पर आ रहा है आपका मैक्सिमम वेब फिर डाउन ग्राफ आएगा तो इस तरीके का एक ग्राफ आपको मिलेगा इस, इस ग्राफ को हम बोल देते हैं यूबी स्पेक्ट्रम अब देखिए क्या होता है कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं यूबी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस पर पढ़ने से पहले हम जाएंगे तो अलग अलग टाइप के टर्म्स हम यहाँ यूज करते हैं देखिए कुछ मैंने एक ये टॉपिक आप दिखा रखा है क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स ये एक टर्मिनोलॉजी है क्या क्या यूवी के अंदर पाया जाएगा ये सारी चीजें देखिए क्रोमोफोर्स एंड दैट इज सेकेंड वन इज ऑक्सोक्रोम्स ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं तो क्रोमोफोर क्या होता है देखिए ऑलवेज क्या होता है हम ये कहते हैं कि एनी आइसोलेटेड इलेक्ट कोवाइलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स विच कैन शो अ करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्ब्शन बैंड इन यू बी स्पेक्ट्रम या विजिबल स्पेक्ट्रम तो यू बी और विजिबल इस रीजन में अगर कोई कंपाउंड क्या करता है एक स्पेसिफिक कलर शो करता है तो ऐसे स्पेसिफिक कलर वाले कंपाउंड को हम बोल देते हैं क्रोमोफोर यानी जो भी ऐसे मालिक्यूल्स होंगे जिसका अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कलर होगा उसको हम बोल देंगे क्रोमोफोर्स तो जो भी कलर कंटेनिंग कंपाउंड होंगे ना वो क्रोमोफोर्स होंगे ध्यान रखिएगा क्योंकि यू का फंक्शन ही मैंने बताया सबसे पहले कि यू स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम दो यूज़ करते हैं एक तो कलर ऑफ द कंपाउंड को बताने में दूसरा कंजुगेशन कंजुगेशन का मतलब होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड दैट इज कंजुगेशन तो ये दो चीज मेन फंक्शन होता है यूवी के तो क्रोमोफोरिक ग्रुप जो होंगे वो कलर कंटेनिंग कंपाउंड होंगे ठीक जैसे आपका इथाइलिन का मोलिकूल है एसिटिलीन का है कार्बोनिल कंपाउंड है कर्बॉक्जलिक है ऐसे आपके पास ए, एस्टर ग्रुप है या

क्रोमोफोर्स हो पाए जाएंगे एक तो क्या है पाई कंटे पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एज वेल एज कोई आपका हेट्रो आइटम प्रेजेंट होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोल देंगे क्या क्रोमोफोर्स या दैट टाइप ऑफ ग्रुप्स आर नोन एज क्रोमोफोरिक ग्रुप्स ऐसे एक आपके पास एक होता है आपका ऑग्जोक्रोम ऑक्जोक्रोम इट्स नॉट एज आ, आ, अ क्रोमोफोर्स ऑक्जोक्रोम अपने आप में क्रोमोफोर नहीं होता ध्यान रखिएगा

तो तब वो क्या करता है एक स्पेसिफिक कलर आपको देगा तो ऐसा ग्रुप जो होगा वो ऑग्जोक्रोम्स होते हैं जो भी ग्रुप होंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपका ऑग्जोक्रोम्स तो ऑग्जोक्रोम्स को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं ऑग्जोक्रोम्स प्लस क्रोमोफोर्स देन इट गिव न्यू क्रोमोफोर्स समझ रहे हैं ऑग्जोक्रोम अपने आप में क्या है कलर इनहेंसिंग ग्रुप नहीं होता है ये अगर किसी क्रोमोफोर्स के साथ जुड़ेगा तो तब जाके वो क्या करता है एक नए क्रोमोफोर को जनरेट करता है ठीक है ना तो जितने भी माइनस प्लस एम इफेक्टिंग ग्रुप होते हैं मीजोमरिक इफेक्टिंग ग्रुप जैसे ओ एच है एनएस टू है एनएस टू आर है ठीक जैसे नाइट्रोबेंजीन है नाइट्रोबेंजीन में क्या है ना बेंजीन एक तरीके से ऑक्सोक्रोम है अगर उसमें एनोटू ग्रुप जोड़ देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बेंजीन क्या है आपका कलरलेस और अगर उसमें एनोटू ग्रुप जोड़ देंगे तो वो स्पेसिफिक कलर देगा यानी एनोटू के जोड़ने के बाद उसमें क्या आ रहा है कलर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो क्या है एक नया क्रोमोफोर्स बन रहा है तो इस तरीके से आप यह कह सकते हैं फाइनली ऑक्जोक्रोम प्लब क्रोमोफोर मिलकर एक नया क्रोमोफोर आपका बनाते हैं ठीक दिस इज क्रोमोफोर एंड ऑक्जोक्रोम नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज इन केस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि जब कोई सैंपल एब्जॉर्ब करता है यूवी रेंज अब यहाँ पर पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात में हम यूवी स्पेक्ट्रम बोलेंगे भाई क्योंकि अब यूवी रेंज की बात कर रहे हैं तो यूवी रेंज की रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करने के बाद जब क्या करता है कोई कंपाउंड ट्रांजिशन करता है तो उसमें एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको दिखे अब कुछ शिफ्ट भी आपको दिखते हैं भाई अब वो शिफ्ट कैसे होंगे तो हम एक ग्राफ प्लॉट करता है एब्जॉप्शन वर्सेज लेमडाबैक्स क्योंकि जब भी आप यू स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो दो चीज़ों के बीच में आपको करना है एब्जॉपशन एंड मैक्सिमम वेवलेंथ तो एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम वेवलेंथ के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां ये चार तरीके के की सिप्ट आपको होते है। हैं दिख रहा है आपको ये यूबी स्पेक्ट्रम में देखे एक फॉरवर्ड uh, डायरेक्शन पे एरो दिख रहा है एक बैकवर्ड डायरेक्शन का एरो दिख रहा है एक अपवर्ड डायरेक्शन पे और लास्ट कितने डाउनवर्ड डायरेक्शन पे तो जितने डायरेक्शन से यहां पर रिप्रेजेंट की हुई है देखिए आप तो इसमें अलग अलग टाइप के सिफ्ट मिल रहा है देखिए क्या होता है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जो शिफ्ट मिल रहा है उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं भाई क्योंकि रेड शिफ्ट की वेबलेंथ क्या होती है हाई होती है इसलिए इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट को दूसरे वर्ड में हम बोल दे रहे हैं रेड शिफ्ट ऐसे ही इसके अपोजिट क्या है आपका हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है वेबलेंथ डिक्रीज कर दी जाती है ऐसे ऊपर की डायरेक्शन पे जो शिफ्ट आपको मिल रहा है दैट इज हाइपर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ऊपर यानी दैट मीस मैक्स जब एब्जॉर्प्शन शिफ्ट बढ़ता है एब्जॉर्प्शन तो उस टाइम की बात करते हैं और जब एब्जॉर्प्शन घटता है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट ठीक है ना तो ये चार तरीके के शिफ्ट आपको मिलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में ठीक अब वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आपके क्या आता है बैथोक्रोमिक सिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज नोन एज रेड शिफ्ट वाई दिस शिफ्ट इज नोन एज रेड सिफ्ट बिकॉज क्या कहोगे आप बैथोक्रोमिक सिफ्ट में वेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्प्शन वर्सेज लेमडामैक्स देन क्या हो रहा है यहां पे एब्जॉर्प्शन कॉन्स्टेंट बट लेडा इज इंक्रीजेज तो क्या होता है जिस शिफ्ट में वेबलेंथ इंक्रीज करती है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है तो उस टाइम पे अब ये दो चीजों के बीच में वेरिएशन होगा भाई इसमें एब्जॉर्प्शन और लेमडा में ठीक है ना एक में क्या होगा एब्जॉप्शन कॉन्स्टेंट होगा तो लेमडा मैक्स बढ़ेगा या घटेगा तो जब बढ़ेगा तो वैथोक्रोमिक शिफ्ट देगा अब इसका अपोजिट होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हो रहा तो है देखिए एब्जॉर्प्शन तो कॉन्स्टेंट है एबजॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन जो मेबलेंथ है वो वेबलेंथ क्या हो रही है आपका डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीजिंग वेबलेंथ एंड कॉन्स्टेंट एब्जॉर्प्शन के टाइम पर जो शिफ्ट आपको मिलेगा दैट इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ठीक है टाइप का सिप्ट होता है आपका हाइपरक्रोमिक ये हाइपरक्रोमिक है, शिफ्ट दो चीजों पर बेस्ड होगा यहां पे। अब यहां पर क्या हो रहा है जो विभलंत है वो इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो रही है कॉन्टेंट हो रही है लेकिन एबजॉर्ब डिक्रीज इंक्रीज करेगा तो यहां पर आप वेरिएशन हम दिखाएंगे एबजॉर्प्शन के घटने बढ़ने पे और लमडा क्या होगा आपका कॉन्स्टेंट दिख रहा है ना आपको लमडा एक फिक्स है तो आप ये कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है वेवलेंथ कॉन्स्टेंट होती है लेकिन एब्जॉपशन में क्या आता है आपका इंक्रीजमेंट तो इंक्रीजिंग दी दब्जॉर्प्शन एंड कॉन्स्टेंट वेवलेंथ दैट टाइम पे जो सिफ्ट आपको अपियर होगा उस शिफ्ट को बोल देंगे हाइपरक्रोमिक सिफ्ट और लास्ट वन इज हाइपोक्रोमिक सिप्ट हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या दिख रहा है आपको वेवलेंथ कांस्टेंट है लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या आ रहा है डिक्रीजमेंट तो डिक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन एंड कांस्टेंट वेवलेंथ जब कहा जहां पर भी होगी तो उस टाइम पे जो सिफ्ट आपको मिलेगा दैट इज हाइपोक्रोमिक सिप्ट तो दीज आर टाइप ऑफ दिफ्ट दैट इज एब्जॉर्प्शन सिप्ट इसको एब्जॉर्प्शन सिफ्ट बोलते हैं सिमिलरली नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन बैंड जैसे एब्जॉर्प्शन शिफ्ट आपको मिलते हैं उसी तरीके से एब्जॉर्प्शन बैंड भी मिलते हैं कब मिलेंगे जब ये ट्रांजिशन होंगे ये मैंने कहा कि दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे ये सारी चीजें होती हैं आपकी ठीक तो एब्जॉर्प्शन बैंड कब आपको मिलेंगे तो अब होता क्या है कि आप ये कहेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ बैंड एब्जॉर्प्शन बैंड कैन बी ऑफ द फोर टाइप चार तरीके के एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं यू स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोपी में ठीक है सबसे पहला आपका है आर बैंड आर इज रेडिकल बैंड दैट इज सेकेंड वन इज के बैंड के को बोलता है कंजुगेशन बैंड लास्ट थर्ड वन इज बी बैंड बी इज बेंजोनोइट टाइप बैंड एंड लास्ट वन इज ई बैंड ई इज इथाइलिनिक बैंड तो ये बैंड आपको मिलेंगे भाई अब क्या होता है कौन कौन से कंपाउंड इसको कहेंगे ये सारी चीजें हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं देखिए सबसे पहला है दट इज आर बैंड आर इज रेडिकल टाइप बैंड तो हम ये कहते हैं कि ऑलवेज सच टाइप ऑफ द बैंड इज due to 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 the n to pi or n pi sigma star electronic to जब भी क्या होगा hoga to us time या jo तो band aapka होगा hoga wo band लाएगा आपका radical band या R band. जैसे कौन से कंपाउंड इस बैंड को सो करता है ये भी आपको जानना पड़ेगा तो आप ये कहते हैं कि ऑलवेज कोई भी एल्कोहलिक टाइप कंपाउंड है halides हैं, कार्बोनिल compounds हैं, ये सारे के सारे जो है आर बैंड को show करता है ठीक है ना तो आपको यह मालूम चल गया आर बैंड होता क्या है तो हम आपने कह दिया कि आर बैंड वो कंपाउंड uh, शो so करेंगे जिनमें ये दो टाइप का ट्रांजिशन होगा एक एन टू पाई स्टार और दूसरा एन टू सिग्मा स्टार ठीक है तो नॉन बॉन्डिंग से जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो उस टाइम पे रेडिकल बैंड होता है ठीक सेकेंड टाइप ऑफ बैंड इज के बैंड जिसको कंजुगेशन बैंड भी आप बोल रहे हैं तो आप ये कहते हैं कि के बैंड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द कंपाउंड विच कंटेनिंग कंजुगेटेड नाम से पता चल रहा है कंजुगेटेड ठीक है ना कंजुगेटेड सिस्टम जहां पर भी होगा जहां पर डबल बॉन्ड की कंडीशन होगी तो उस टाइम पे जो कंपाउंड होगा वो के बैंड को शो करेगा अब कौन से कंपाउंड कैसा ट्रांजिशन होगा इस टाइम पे तो ऑलवेज आपको ये मालूम है कि जहां पर भी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली कौन सा ट्रांजिशन शो कर रहे हैं पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ठीक है ना तो कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से है जैसे डाइन है पॉलिन है इनोन्स है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कैन एग्जिबिट के टाइप ऑफ बैंड के इज कंजुगेटेड कंजुगेटेड बैंड या कंजुगेशन बैंड ठीक है ना थर्ड वन इज बी बैंड बी इज द बेंजोनोइट टाइप बैंड तो ये पता ही चल रहा है नाम से पता चल रहा है कि कोई बेंजेइट टाइप के कोई भी कंपाउंड अगर होंगे ठीक आप ये कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ बैंड अपियर इन दी बेंजनोइट कंपाउंड तो बेंजनोइट टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो इस टाइप के इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक टेंशन को शो करेंगे या बैंड को शो करता है ठीक है ना और टेंशन कैसा होगा बेंजेनोइड में क्या होता है पाइबाउंड प्रेजेंट होगा तो पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक टेंशन होगा ऐसे में ऐसे ही फोर्थ वन इज ई बैंड ई फॉर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ठीक है ना इथैलिनिक टाइप इथाइलिनिक टाइप का बॉन्ड होगा तो आप ये कह सकते हैं कि सच टाइप ऑफ द बैंड ड्यू टू थ्री बॉन्ड इन द एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा जहां पर इथालिनिक टाइप के बॉन्ड होंगे ठीक है ना तो वो इस टाइप के टेंशन को बैंड को शो करता है जिसको ई e बैंड आप बोलते हैं ठीक है ना तो जब भी इथालिनिक या बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड के केस में कौन सा टेंशन होता है तो पाई टू पाई स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक टेंसन होता है तो ये डिफरेंट टाइप के बैंड्स हैं जिसको हम बोलते हैं आपका क्या यू वी बैंड तो यू वी शिफ्ट के बारे में आपने पढ़ लिया यू वी बैंड के बारे में पढ़ लिया ठीक इसके बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इससे आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बशन एंड इमीशन स्पेक्ट्रा है ठीक सो so, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू